कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ तीजा अमूल्य धरोहर, जिसमें हमें प्रदूषण की समस्या और पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है। लेखिका कहती है कि गर्मियों की छुट्टी होते ही हम अपने नाना नानी जी के घर जौनपुर पहुंच जाते थे। मेरे नाना जी को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। उन्होंने घर के अंदर भी और बाहर भी तरह तरह के पेड़ लगाए हुए थे। जब हम इस गर्मियों में नाना नानी के घर पहुंचे तो देखा नाना जी ने घर के आसपास नीम के पौधे लगा रहे थे। हमारे घर पहुंचने के कुछ देर बाद वे भी घर आ गए। जब हम नाना जी के पास बैठते और बातें करते तो वे पेड़ पौधों के बारे में नई नई बातें बताते थे। मेरे नाना जी का मानना था कि पेड़ पौधे हमारे माता पिता जैसे होते हैं। वे हमें फूल फल अनाज औषधियाँ आदि देकर हमारा कल्याण करते हैं। वे स्वयं गर्मी सर्दी धूप धूल वर्षा आदि सहकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वैसे मेरे नाना जी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं होते थे, परंतु पेड़ों को काटते देखकर वे बहुत दुखी हो जाते थे और क्रोधित होते थे। वे कहते थे कि कुल्हाड़ी हम पेड़ों पर नहीं अपने पैरों पर मार रहे हैं। एक दिन नाना जी ने अपने आसपास के सभी लोगों को घर के सामने वाले मैदान में बुलाया। सब नाना जी का आदर करते थे, इसलिए सब मैदान में जमा हो गए। नाना जी ने सबको वहां आने के लिए धन्यवाद दिया और बोले, सब जानते हैं कि हम प्रदूषण के अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं। प्रदूषण यदि इसी प्रकार बढ़ता रहा तो यह हम सबके विनाश का कारण हो सकता है। यदि हम इसी प्रकार पेड़ काटते रहे तो परिवर्तन का संतुलन बिगड़ जाएगा, सांस ले पाना भी कठिन हो जाएगा। नाना जी ने बताया कि जो ये पेड़ों से पेड़ नहीं होगे तो वर्षा नहीं होगी, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा। अगर पेड़ नहीं होगे तो हमारा जीवन रुक जाएगा। पेड़ ही हमारा आज है, पेड़ ही हमारा कल है। यदि हम अपने कल को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। नाना जी ने बताया कि मानवों का ही नहीं पशु पक्षियों का जीवन भी पेड़ों पर निर्भर करता है। मैंने नाना जी की बातें बहुत ध्यान से सुनी और मुझे पता चला कि भूमि को उपजाऊ बनाने में पेड़ सहायक है। पेड़ों की शीतलता से ही वर्षा होती है और वृक्ष का जीवन अमोल धरोहर है। जे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष हम मनुष्यों का हित करने वाले महान उपकारी हैं। आजकल वायुमंडल में प्राणवायु कम हो रही है और विषैली गैसें बढ़ रही हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम कितनी जल्दी परिवर्तन को शुद्ध बनाने में सहयोग दे सकते हैं। इसे हम अपना ही नहीं संपूर्ण जीव जगत का हित कर सकते हैं, इस अमूल्य धरोहर की रक्षा कर सकते हैं। सबने नाना की बातों को मानने की प्रतिज्ञा ली। मैंने भी निश्चय किया कि पेड़ लगाकर अपना कर्तव्य पूरा करने के साथ साथ मित्रों से भी परिवर्तन की रक्षा के लिए आग्रह करूंगी। इस कहानी में लेखिका ने हमें बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे हमारी सुरक्षा होती है और प्रदूषण की मात्रा भी कम होती है।